अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किया। जुल्म आखिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। उन्होंने बहुत कोशिश की जुल्म करने की, लेकिन हिंदुस्तान की वो ताकत थी, हिंदू मुस्लिम वो एकता थी। और तुम देखे रेशमी रुमाल, हमारे हजारों उलमाए किराम शहीद हुए, ऐसी हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली। और आज भी इंशाअल्लाह सर कटाने के लिए हम मुसलमान तैयार है, हिंदुस्तान के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हम आज आने नहीं देंगे, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, किसी की ताकत हिंदुस्तान के ऊपर देखने की नहीं है। यहाँ पे बहुत जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, और हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर घर तिरंगा, उसके भी हमने 3 दिन से बहुत जोश और खरोश से मनाया है। और नेशनल उर्दू हाई स्कूल में तो बहुत ही यानी बहुत ही प्रोग्राम के साथ, और इस साल और ज़्यादा ही हमने जोश खरोश से मनाया है। और अब इस बार तो हमने खासकर सोशल वर्कर हमारे इकबाल भाई नावड़ेकर, उनको भी खास मेहमान खुसूसी बुलाए थे, उनके हाथ से ध्वजारोहण करके, और उन्होंने थोड़ा हमको कीमती टाइम दे के पूरे स्कूल के लिए खुशी का मौका दिया। और हमारे सोशल वर्कर होने की वजह से कुछ हमारे स्कूल की तकलीफें होंगी, वो भी इंशाल्लाह उनसे हम मदद चाहते हैं कि कुछ भी जो प्रोग्राम प्रॉब्लम रहेंगे वो सॉल्व होने के लिए। और ये 15 अगस्त का दिन सबके लिए स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंस डे है, वो खुशी के साथ मनाए, और हमारे स्कूल ने भी बहुत खुशी के साथ मनाया है। और मैं सब मेहमानों का और सब बच्चों का हृदय से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, 78वां आज़ादी का दिन है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, जुल्म आखिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। उन्होंने बहुत कोशिश की जुल्म करने की, लेकिन हिंदुस्तान की वो ताकत थी, हिंदू मुस्लिम वो एकता थी। और तुम देखे रेशमी रुमाल, हमारे हजारों उलमाए किराम शहीद हुए, ऐसी हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली। और आज भी इंशाअल्लाह सर कटाने के लिए हम मुसलमान तैयार है, हिंदुस्तान के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के ऊपर आज नहीं देंगे, आज आने नहीं देंगे। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, किसी की ताकत हिंदुस्तान के ऊपर देखने की नहीं है। हम हिंदुस्तान के लिए खंबे के जैसे तैयार है। और जो कुर्बानियाँ दिए गए आप देखते होंगे, कोई छोटी मोटी कुर्बानी थी, एक साथ में 500 उलमाए किराम जो हमारे आलिम है, जो 7-7 साल इल्म हासिल करते, उनको शहीद किया गया। और यहाँ पर हिंदू माहौल, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके रहते। और मैं खाली सिर्फ इतनी इल्तिजा करूँगा तमाम लोगों से कि ये तलोजा है ना, हीरो का खजाना, हीरो का खाली सिर्फ ये अपने घर में कदर नहीं रहती। यहाँ से लेके मैं नगर के एक हमारे डेपोमिनेट थे, उन्होंने मुझे बोला कि हमको मस्जिद के लिए मदद चाहिए। मैं यहाँ पर महमूद सुल्तान थे, उनके घर पे गए, उन्होंने बोला ज़्यादा तो पैसे नहीं दूंगा लेकिन 25 लाख रुपए देता हूँ। तो ये तलोजा का है। आज से 3 दिन पहले मैं यहाँ पर यासीन कोगारी के पास गया, उसको बोला ऐसा ऐसा है, प्रॉब्लम है, एक स्कूल खोलना है वहाँ पर। उन्होंने बोला कितने घंटे जगह चाहिए, मतलब 2 घंटे। उन्होंने बोला 3 घंटे जगह दूंगा, पूरा तामीर भी मैं करूँगा। ये तलोजा है। और तलोजे से 5 से 6 डॉक्टर बने, हम पनवेल के रहने वाले, ओरिजिनल पनवेल के, आज तक पनवेल में एक ही नहीं, सिर्फ एक मेरे दोस्त है हनीफ, एकदम जिगरी दोस्त, उसकी बहन कच्छ की और डॉक्टर बनी, हमारे अंदर नहीं। इनके डीएनए में, तलोजे के डीएनए में अल्लाह ने वो रहमत रखी है कि उसकी कोई अजीब और गरीब सूरत है। मौलाना यासीन साहब यहाँ के, और ये तो यूनिटी है, उलमाए किराम एक साथ डिसीजन लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आज के बाद जो भी डिसीजन लिए जाए ना, तो तलोजे से ही लिए जाए। तलोजे वाले में अल्लाह ताला ने वो खासियत रखी है। और मैं, इन्होंने जो बुलाया, मुझे मौका दिया झंडा वंदन करने का, तो मैं जवाद साहब का, खासकर हमारे रफीदुन साहब का, और मुजफ्फर भाई का, हमारे हरपाज साहब का, हमारे शकील भाई रिश्तेदार पापा साहब है, और हमारे जो भी दोस्त साथ में आए हुए, इकबाल काजी साहब का, खासकर जो चेयरमैन है, मुकित काजी है, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नूर पटेल है कि उन्होंने हिम्मत अफजाई की हमारी, और ऐसा ही हम देश के लिए हर वक्त मरते मिटते रहेंगे। जब तक हमारे जान में जान है, हम देश के लिए इंशाअल्लाह जान देकर रहेंगे।